हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय क्लास एंड टुडे वी डिस्कस चैप्टर नंबर 7 दिस दैट दीज दोज। तो इस चैप्टर में हम दिस और दैट के यूज़ के बारे में एंड दीज और दोज के यूज़ के बारे में पढ़ेंगे कि दिस का यूज़ कहाँ पे होता है, दैट का यूज़ कहाँ पे होता है। तो दिस एंड दैट का यूज़ किसके लिए करते हैं वैसे? इफ़ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग। दिस और दैट का यूज़ पर्सन के लिए, प्लेस के लिए और थिंग के लिए किया जाता है। दिस है, दिस का यूज़ कब होता है? जो जो हमारे वस्तु है, जो थिंग है, हमारे नियर है, नज़दीक में है, वहाँ पे हम दिस का यूज़ करते हैं। जो हमारे फॉर में है उसके लिए हम दैट का यूज़ करते हैं। नाउ फर्स्ट, दिस इज़ अ बॉल। बॉल उसके बिल्कुल नियर है, उसके पास है, तो इसके लिए किसका यूज़ हुआ यहाँ पे? दिस। दैट इज़ द मून। मून हमारे से बहुत दूर में है, दूरी में है, फार है, तो इसके लिए क्या यूज़ हुआ? दैट। दिस इज़ माई ग्रैंडमा। ग्रैंडमा के लिए दिस, बिकॉज ग्रैंडमा और वो बिल्कुल साथ साथ है। दैट इज़ अ पीकॉक। पीकॉक उसके दूर है, तो ये क्या लिखेंगे इसके लिए हम? दैट। दिस इज़ माई ड्राइंग। ये मेरी ड्राइंग है, ड्राइंग उसके बिल्कुल पास है, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दिस। That is our boat. Boat दूर है, तो boat के लिए that use करेंगे। इसीलिए इसी तरह practice के लिए हमको कुछ blanks दी गई है, उसको read करते हैं। जैसे first है, this is my kite. Kite उसके बिल्कुल उसके पास है, उसके hand में है, तो इसके लिए क्या use करेंगे? This. What is that? ये दूर है, that. यहाँ पे क्या लगाएंगे? That. Let's go to dash hill. वो इस साइड है, हिल इस साइड है, मीन्स दैट लगेगा, दैट। नेक्स्ट है, इस डैश अ गिफ्ट फॉर मी। ये गिफ्ट मेरे लिए है, वो इस साइड है, गिफ्ट इस साइड है, तो क्या लगेगा? दैट। डैश इज अ लवली बुक। बुक उसके हैंड में है ना, तो लगेगा दिस। दिस इज अ लवली बुक। डैश इज माई डॉग। This is my dog. Last 7 में dash is a beautiful bird. This is a beautiful bird. उसके बाद हमारे पास है these और those. These और those का use भी हम वैसे ही करेंगे, these का use नज़दीक के लिए और those का use far के लिए, but जो हमारे पास सिंगुलर चीज़ है, वन है, उसके लिए हम दैट और दिस का यूज़ करते हैं। जो वन से ज़्यादा है, मैनी है, तो उसके लिए हम दीज और दोज का यूज़ करते हैं। जैसे दीज आर रोजेस, रोजेस ज़्यादा है ना, दोज आर लाइस, दीज आर एप्पल्स, व्हाट आर दोज, दीज आर टमाटोज, व्हाट आर, दीज आर कीज, तो यहाँ पे लिखेंगे कीज, दीज आर कीज, दोज आर बर्ड्स, बर्ड्स, दीज आर बुक्स। ओके, नाउ चैप्टर इज कंप्लीट। सॉरी, टिक द करेक्ट आंसर, वन हैज़ बी डन। आपने टिक द करेक्ट आंसर करना है। यहाँ पे दीज और दोज, दीज शूज आएगा कि दोज आएगा? दीज। व्हाट आर दोज, दीज, दोज। मॉम आस्क्ड मी टू दीज दोज टॉयज इन द बॉक्स, दीज, दीज दोज आर पैरट्स, इस साइड है पैरट्स, इसके लिए दोज। नेक्स्ट है, दीज दोज वेजिटेबल्स आर फ्रेश, दीज उसके बिल्कुल पास है। टीचर प्लीज लुक एट दीज पिक्चर, यस दीज। नाउ सी पार्ट, डैश इज माई डॉग, इसके लिए क्या लगाएंगे? दिस। दिस इज माई डॉग। डैश इज अवर कार, दैट, दिस इज अवर कार। डैश इज माई कजन्स, दूर है ना, तो दोज, दोज इज माई कजन्स। There are many ants under the under dash stone.
this. Dash is my sandwich. This. Dash is our teacher. That. Dur hai na? That is our teacher. Dash are butterflies. These are butterflies. Okay. Now chapter is complete. I hope understood this chapter. Thank you and have a nice day.